अस्सलाम वालेकुम। आज टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ये है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इससे जो लास्ट वाला टॉपिक हमने एक्सप्लेन किया था वो था डी ब्रोगली की इक्वेशन थी, और उस साइंसदान ने कहा था दुनिया के अंदर जो भी मैटर है ना उसके पास ड्यूल नेचर होती है, वो पार्टिकल के तौर पर भी एक्ट करती है और वो वेव के तौर पर भी एक्ट करती है। अब इस साइंसदान के उस नज़रिए को उठाया हाइजेनबर्ग ने और इसने एक प्रिंसिपल दिया। इसने कहा जी हाइजेनबर्ग, इसका नाम है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सबसे पहली बात जो आपने समझनी, अनसर्टेनिटी होती है क्या है? अनसर्टेनिटी होती है गैर यकीनी, उर्दू में कहते हैं गैर यकीनी, यानी कि जिसके ऊपर पूरा पूरा ट्रस्ट ना हो, आपको यकीन ना हो, उसको अनसर्टेनिटी का नाम देते हैं। जिस पे शक हो थोड़ा बहुत, सही है, उसको हम अनसर्टेनिटी का नाम दे रहे होते हैं। अब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किस चीज़ के मुतालिक था? सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट लिख लें। जो इसने स्टेटमेंट दी थी साइंसदान ने, वो सिंपल सी स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट वो क्या स्टेटमेंट थी? कहता जी एक इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम और पोजीशन साइमल्टेनियसली मालूम करना इम्पॉसिबल है। ये क्या चीज़? दो चीज़ें मालूम करना एक ही वक्त पर इम्पॉसिबल। कौन कौन सी चीज़ें दो थी? इट इज़ इम्पॉसिबल कहते हैं नामुमकिन, इम्पॉसिबल टू मैयर, ये मालूम करना बिल्कुल नामुमकिन था। कौन कौन सी चीज़ें? इट इज़ इम्पॉसिबल टू मैयर द मोमेंटम एंड पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को मालूम करना मुश्किल था, इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली का मैं आगे मतलब भी लिख देता हूँ, एट द सेम टाइम एक ही वक्त पर, एट द सेम टाइम। कहता आप एक इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम और पोजीशन एक्यूरेटली मैयर नहीं कर सकते, प्रिसीजन के साथ मैयर नहीं कर सकते, ये इम्पॉसिबल है। सही, इसके लिए एक इक्वेशन भी उसने बनाई थी, उस इक्वेशन को समझिएगा। और क्यों नहीं कर सकते ये विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको ऐसा ऐसा खुद ही समझ जाएंगे। अब इसके बाद हमारे पास आ जाती है इसकी इक्वेशन, और याद रखिएगा ये वाला जो चीज़ है ना, ये टॉपिक जो है ये अमूमन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आता है, लेकिन हम इसको इतना कर लेंगे कि एक लॉन्ग क्वेश्चन भी अगर आ जाए तो उसको अटैम्प्ट कर लेंगे, बड़े अच्छे तरीके से कर लेंगे। तो इसमें इक्वेशन कौन कौन सी चीज़ें थी? यहाँ पे इसने कहा कि अगर आप डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा पी ये ग्रेटर देन या इक्वल टू होता है एच ओवर टू पाई। अब यहाँ पे डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा पी क्या है, ये चीज़ें हमने देखनी है। डेल्टा एक्स और डेल्टा पी ये कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं ये बात करने लगे हैं। कहते हैं यहाँ पे जो डेल्टा एक्स है, वेयर यहाँ पर जो डेल्टा एक्स है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, ये पोजीशन में अनसर्टेनिटी है, पोजीशन। इसके बाद डेल्टा पी, पी आपको पता है मोमेंटम के लिए यूज करते हैं, ये क्या हमारे पास अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ये मोमेंटम में अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी कहते हैं गैर यकीनी, जिसमें कोई यकीन ना हो, आपको बिल्कुल कंफर्म ना हो कि बिल्कुल सही है। अब इसके बाद एच आपको पता ही है, एच क्या हमारे पास है, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है, एच क्या है, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है, और इसकी वैल्यू भी हमें पता है, वैल्यू इसकी होती है 6.63 इंटू 10^-34 जाउल सेकेंड, ये इसकी वैल्यू है। इस वैल्यू को अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा। अब इसके बाद
क्या हमें ये इक्वेशन ही सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे रही है। अच्छा अगर मैं अमूमन लिखता हूँ ना, मैं कहता हूँ जी एक्स मल्टीप्लाई बाय, इसको समझ लीजिए कि ये वैसे मैं कहता हूँ एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई ये इक्वल है किस चीज़ के, कोई भी कॉन्स्टेंट, के का कॉन्स्टेंट है, इक्वल है के के, सही। अगर मैं कहूँ कि इस वाई को उठा के मैं इसके नीचे ले जाऊँ, ये क्या बने के ओवर वाई। अब इन दो का रिलेशनशिप अगर मैं देखूँ तो क्या बनेगा, इनवर्स का मतलब अगर ये वाली चीज़ बढ़ेगी तो ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, कम। सेम इसी तरह अगर ये वाली चीज़ कम होगी तो ये वाली चीज़ बढ़ेगी। अब यहाँ पे गौर करें, मैंने कहा जी डेल्टा एक्स क्या है हमारे पास, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, पोजीशन में गैर यकीनी है इलेक्ट्रॉन की, और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखना चाहते हैं लिख लीजिएगा। अब इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम में अनसर्टेनिटी है, अब इक्वल या ग्रेटर देन है किसके, एच ओवर टू पाई। एच क्या है, कॉन्स्टेंट है, 6.63 × 10⁻³⁴ इसकी वैल्यू है, और पाई क्या है, पाई भी हमें पता है कॉन्स्टेंट, 3.14 इसकी वैल्यू होती है। मतलब ये वाली पूरी की पूरी टर्म ही आपके पास कॉन्स्टेंट है, इसलिए अगर मैं इसके और इसके, तो मैं इसको उठा के इसके नीचे ले जाऊं तो क्या रिलेशनशिप बनेगा इन दोनों में, इनवर्सली। मतलब अगर इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे समझने के लिए बना रहा हूँ, ये हमारे पास बन जाएगा इस तरह एच ओवर टू पाई, और यहाँ पे मैं डेल्टा पी लिख देता हूँ। अब दो बातें मैंने यहाँ से लिखनी है, अब आपने एक चीज़ याद रखनी है, अगर ये वाली चीज़ अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम बढ़ता है तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कम होगी। जब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कम होगी तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन हमें पता है कहाँ पे मौजूद है। अगर ये वाली चीज़ कम होगी तो ये वाली चीज़ बढ़ जाएगी। यही दो बातें आप यहाँ पे लिख रहे हैं, बाद में इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं क्यों ऐसा होता है, होता क्यों है, रीज़न वाई। चलिए इसके बारे में पहली बात, व्हेन, जब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, पोजीशन में अगर अनसर्टेनिटी क्या हो जाए, इन पोजीशन इज इंक्रीज, अगर ये वाली चीज जाती है बढ़, देन फिर होता क्या है, देन अनसर्टेनिटी, तो फिर अनसर्टेनिटी किस चीज में, अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगी, मोमेंटम इज डिक्रीज, इसमें कमी आ जाएगी, आपको गैर यकीनी ज्यादा हो जाएगी इसमें कम। तो ये दोनों चीजें याद रखिएगा, अगर पोजीशन में अनसर्टेनिटी हमारे पास बढ़ती है तो इसमें अनसर्टेनिटी कम हो जाएगी। अगर इसका बिल्कुल ऑपोजिट करूं, सही, व्हेन, जब अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी, जब अनसर्टेनिटी किस चीज में, इन मोमेंटम, अगर मोमेंटम में अनसर्टेनिटी क्या हो, इज इंक्रीज, मोमेंटम अनसर्टेनिटी बढ़ जाए, देन फिर क्या होता है, देन अनसर्टेनिटी इन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, पोजीशन में अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगी, इज डिक्रीज, ये कम हो जाएगी। ये दो बातें याद रखिएगा। अब ये ऐसा हो क्यों रहा होता है, ये अब रीजन लेंगे इसकी। इसको एक्सप्लेन किया था कॉम्पटन, साइंसदान का नाम था जिसने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया, क्या नाम था साइंसदान का, कॉम्पटन, और उसने कॉम्पटन्स इफेक्ट दिया, उसके जरिए से हमने इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है। नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन बाय कॉम्पटन्स इफेक्ट, कॉम्पटन्स इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट से इसकी एक्सप्लेनेशन करने लगे। अब सबसे पहले चंद एक बातें मुझे बता देनी है आपने, अगर मैं छोटी चीज़ को देखना चाहता हूँ तो माइक्रोस्कोप कौन सी इस्तेमाल करूँ। अगर मैं एटम को सपोज करता हूँ, मैं चाहता हूँ जी एटम के अंदर मैं इलेक्ट्रॉन को देखना चाहता हूँ, ये देखें ये एटम है। अब एटम ही बड़ी मुश्किल से नज़र आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, सही है। अब उसमें इलेक्ट्रॉन्स को देखना है, मैंने कौन चीज़ को देखना है, इलेक्ट्रॉन्स को, तो आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप तो नहीं इस्तेमाल कर सकते। इसको देखने के लिए या तो दो ही चीजें इस्तेमाल होती है, या तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप इस्तेमाल कर लें, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बस।
अब यहाँ पे कॉम्पटॉन इफेक्ट को डिस्कस करने लगे हैं। अच्छा, मैंने एटम को देखना है, एटम को देखने के लिए मैं दो चीज़ें इस्तेमाल कर सकता, या तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करूँगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, या फिर हम इस्तेमाल कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि चीज़ों को थोड़ा कम बड़ा करके दिखाती है। सही है, अगर मैं इतनी चीज़ को देखूंगा ना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप ये सिर्फ इतना करके दिखाएगी। सही, ये वाली चीज़ क्या करेगी, इतना बड़ा करके दिखा देगी। ये दोनों में फ़र्क है, उसकी रेजोल्यूशन ज़्यादा होती है। अच्छा, और मज़े की बात यह है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर जो चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं चीज़ों को देखने के लिए, वो लाइट होती है। कौन सी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, लाइट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन से एक्सरेज पैदा करते हैं और एक्सरेज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, एक्सरेज का। ये सिंपल सी बात याद रखिएगा। अब हमने कहा जी कंपाउंड माइक्रोस्कोप तो इस्तेमाल ही नहीं हो सकती, सिर्फ और सिर्फ एटम को देखने के लिए मैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करता हूँ। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में एक्सरेज इस्तेमाल की जाती हैं चीज़ों, बहुत छोटी चीज़ों को देखने के लिए। अब इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, वो चीज़ चेक कीजिए। मैंने दो बातें ऊपर लिखी हुई हैं, मैं इन बातों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ पूरे के पूरे प्रिंसिपल में। हाइजेनबर्ग ने दो बातें कही थी कि आप मोमेंटम को और इसके अलावा इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को, इन दो चीज़ों को एक ही वक्त पे नहीं मालूम कर सकते। हाँ, डिफरेंट टाइम पर मालूम कर सकते हैं, एक वक्त में मालूम करना इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। क्यों नामुमकिन है वो अभी आप देखिएगा। सबसे पहली बात यही लिख लें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में, इलेक्ट्रॉन जो होता है ये आप नहीं देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी सीन, कैन नॉट बी सीन, इनको नहीं देखा जा सकता अंडर, नीचे, अंडर ऑर्डिनरी लाइट, ऑर्डिनरी लाइट। तो इसको देखने के लिए हम कौन सी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, एक्सरेज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सही है, सो वी यूज, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं यूज्ड एक्सरेज, एक्सरेज का इस्तेमाल करते हैं एक्सरेज टू सी द एटम, टू सी द एटम, एटम को देखने के लिए एक्सरेज का इस्तेमाल किया जाता है। सही है, अब एक्सरेज और ऑर्डिनरी लाइट जो होती है, नॉर्मल लाइट, इसमें फ़र्क क्या होता है, एक्सरेज की वेवलेंथ बड़ी छोटी होती है, बिल्कुल छोटी इस तरह, और ऑर्डिनरी लाइट की वेवलेंथ इसके मुकाबले में बड़ी होती है। ये भी बात हम यहाँ पे लिख देते हैं, द वेवलेंथ, जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज, एक्सरेज की जो वेवलेंथ होगी इज़ वेरी स्मॉलर, ये बहुत छोटी होती है, वेरी स्मॉलर, ये बहुत छोटी होती है, किसके मुकाबले में, एज कंपेयर टू, के मुकाबले में, एज कंपेयर टू, के मुकाबले में, किसके मुकाबले में, कंपेयर टू द ऑर्डिनरी लाइट, ऑर्डिनरी लाइट का मतलब होता है जो आम लाइट है, जो सूरज से आ रही है, इसके मुकाबले में। अब मैंने ये बात लिखी क्यों है कि इसकी वेवलेंथ छोटी है, इसकी वेवलेंथ बड़ी है। अच्छा, वेवलेंथ इसकी छोटी, इसकी वेवलेंथ बड़ी है। आपने एक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा हुआ, इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। वेवलेंथ जितनी छोटी होगी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे गौर करके देखें, जो एक्सरेज होती है इनकी एनर्जी होती है ज़्यादा। अब इससे मैं आपको एक पॉइंट पर लेकर जाना चाहता हूँ, जिसको हमने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, क्यों नहीं मालूम कर सकते। अब ये मेरे पास एक एटम है, और एटम के अंदर मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पे रिवॉल्व कर रहे हैं, मैं तीन इलेक्ट्रॉन्स बना रहा हूं, और मेरी नजर सिर्फ और सिर्फ इस इलेक्ट्रॉन पे है, इस इलेक्ट्रॉन पे। सही, मैं इसकी पोजीशन भी मालूम करना चाहता हूं और इस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम भी मालूम करना चाहता हूं, दो चीजें मालूम करना चाहता हूं। अब देखे, मैं इसको देखने के लिए कौन सी रेज इसके ऊपर डालूंगा, एक्स रेज। अब जैसे ही एक्सरेज इसके ऊपर डालूंगा, और एक्सरेज की एनर्जी क्या होती है, हाई एनर्जी होती है। यहाँ पे एक्सरेज डाली इसको देखने के लिए, एक्सरेज की एनर्जी क्या है, हाई है, ज़्यादा एनर्जी है। अब जैसे ही इसके ऊपर आकर टकराती है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन की
एनर्जी बढ़ जाएगी, या तो एनर्जी बढ़ेगी नीचे वाले शेल से ऊपर वाले शेल में चला जाएगा। पहली पॉसिबिलिटी, एनर्जी बढ़ी नीचे वाले शेल से ऊपर वाले शेल में चला जाएगा। अगर नहीं जाता तो यही वाला इलेक्ट्रॉन तेजी से मूव करना शुरू कर देगा। पहले स्पीड स्लो थी, अब जैसे ही एनर्जी बढ़ती है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करना शुरू कर देगा, स्पीडली मूव करना शुरू कर देगा। वेलोसिटी बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगी या फिर कम हो जाएगी, दो पॉसिबिलिटी हैं। अगर तो नीचे वाले शेल से ऊपर वाले शेल में जाता है तो वेलोसिटी हो जाएगी कम, सही। अगर ऊपर वाले शेल से नीचे वाले शेल में आता है वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, सही। अगर इसी शेल में रहता है और एनर्जी को कर लेता है जज़्ब तो वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब मैं वेलोसिटी पे बार बार क्यों ये जोर दिया जा रहा, वेलोसिटी बढ़ जाएगी बढ़ जाएगी, असल में हमारे पास मोमेंटम जो होता है पी इज इक्वल टू एम वी। अब वेलोसिटी बढ़ी तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सिंपल बात है जी, मोमेंटम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब मैंने एक्सरेज डाल के पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो पता कर ली है, लेकिन मोमेंटम क्या हो गया, चेंज हो गया। अब जैसे मैं एक्सरेज नहीं डालता पोजीशन में मालूम नहीं कर सकता अंधेरे में, सही है। जब देखें इसके ऊपर एक्सरेज नहीं डालेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा इलेक्ट्रॉन अब एटम में कहाँ किस जगह पर मौजूद है, सही। तो फिर आप उस वक्त इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम आसानी से मालूम कर लेंगे, लेकिन पोजीशन आप बिल्कुल सर्टेन नहीं होंगे कहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा, अंदाजे लगा सकते हैं तो यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे। इसलिए कहते हैं दो चीज़ें एटम की कभी भी एक वक्त, इलेक्ट्रॉन की दो चीज़ें मोमेंटम और पोजीशन एक ही वक्त में नहीं मालूम किए जा सकते, इसको अनसर्टेनिटी कहते हैं, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो जो मेन वर्ड है उसी पे गौर कर, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब यहाँ पे हमने जो बातें लिखनी है यही है कि वैन एक्सरेज जब एक्सरेज क्या होती हैं, फॉल गिरती हैं ऑन एटम, एटम के ऊपर गिरती हैं, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है एंड द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज चेंज, द मोमेंटम और मोमेंटम क्या हो जाएगा ऑफ इलेक्ट्रॉन इज चेंज्ड और इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम चेंज हो जाएगा। अब इस वक्त मोमेंटम चेंज हो गया, पोजीशन आपने मालूम कर ली एक्सरेज गिरा के, एंड पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एक्यूरेटली नॉन, एंड एट दिस पॉइंट, इस वक्त पर, एट दिस टाइम या पॉइंट कह लें टाइम, द पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिटरमाइंड, पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की पोजिशन क्या है इज डिटरमाइंड, ये हमने मालूम कर लिया है डिटरमाइंड। वाइल जबकि अनसर्टेनिटी कहते हैं बगैर यकीनी, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम में गैर यकीनी क्या हो गई है, बढ़ गई है, मोमेंटम इज इंक्रीज। ये वजह है असल में जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम हम और पोजीशन एक ही वक्त में मालूम नहीं कर सकते। ये पूरे का पूरा कंसेप्ट में आपने दो बातें याद रखनी है, ये अमूमन इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आ जाए तो इतना मैंने लिख दिया है कि आप लॉन्ग क्वेश्चन लिख सकते हैं, अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आपने यहाँ तक लिख के ख़त्म कर देना अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसमें दो बातें याद रखनी है, जहन में रख लीजिए, जब भी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात आए तो आपके जहन में एक बात आनी चाहिए, वो ये है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम एक ही वक्त में मालूम नहीं किए जा सकते, एक ही वक्त में मालूम नहीं किए जा सकते। यह था जी हमारे पास हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यही आज के लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।